गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। श्री गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, जय माता दी। आज के वीडियो में हम आपको दैनिक पंचांग, राशि परिचय, राशि फल एवं खास उपाय की जानकारी देंगे। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 19 दिसंबर मंगलवार 2023 श्री सुसंवत 2080 सकसंवत 1945 अगहन महीना उजाला पाठ सप्तमी तिथि। सूर्य धन राशि में, चंद्रमा कुंभ राशि में। आज रात 3:16 तक पूर्व भाद पर नक्षत्र रहेगा। इसके बाद उत्तराभाद पर नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। दिशा सूर्य उत्तर दिशा परिहार गुण। आज उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए अशुभ है। अगर उत्तर दिशा की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको उत्तर दिशा की यात्रा करना अति आवश्यक है तो आप गुड़ खाकर यात्रा आरंभ करते हैं तो आपको सफलता मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। राहु काल दिन में 3 से 4:30 तक, कुली काल प्रातः काल 12 से 1:30 तक, यमगंध काल प्रातः 9 से 10:30 तक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा का आरंभ राहु काल में ना करें। क्यों? कोई भी शुभ कार्य राहु काल में किया जाता है या यात्रा का आरंभ किया जाता है तो ये दोनों काम में आपको कदम कदम पर दिक्कत और परेशानी उठाना पड़ता है। अगर आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं या यात्रा का आरंभ करना चाहते हैं तो दोनों ही काम अगर आप गुणी काल में आरंभ करते हैं तो आपको सफलता मिलने के योग बढ़ जाते हैं। 17 दिसंबर रविवार शाम 7:25 से पाचक लगा हुआ, और पाचक एक बहुत ही अशुभ समय होता है। शास्त्रों के हिसाब से पाचक में 5 चीजें बहुत ही अशुभ मानी जाती है। वो क्या है आप जानना चाहेंगे? पहली चीज, पाचक में चारपाई बनवाना अशुभ माना जाता है। दूसरी, जलाने के लिए लकड़ी घास आदि इकट्ठा करना, ये भी काम पाचक में नहीं किया जाता। तीसरी, दक्षिण दिशा की यात्रा भी करना पाचक में वर्जित होता है, यानी पाचक के समय दक्षिण दिशा की यात्रा भी अशुभ मानी जाती है। अगर पाचक चल रहा है तो घर की छत भी नहीं जलवाई जाती। और जो समाज में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, तमाम सारे लोगों को मालूम है, वो ये है। पांचवी चीज, पाचक के समय अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति पाचक में मरता है उसके परिवार के लोग, उसके खास संबंधियों में कोई 5 आदमी की मृत्यु अवश्य होती है, और इसके लिए विशेष उपचार किया जाता है। तो ये 5 चीज पाचक में अशुभ मानी जाती है। अब हम आपको आगे की कड़ी की तरफ लेके चलते हैं। राशि परिचय। अपने नाम के प्रथम अक्षर से राशि ज्ञात करें। कुछ अक्षर दो अक्षरों से मिलकर बनते हैं, उन्हें इस प्रकार समझें। जैसे कि प्रा, प्रा से भी बहुत लोग का नाम हुआ करते हैं, तो आप इसको इस प्रकार समझें। प्र को आप पा से समझें, यानी कहने का मतलब प्र को आप कन्या राशि में देखें। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर त्रा भी होता, और त्र से भी बहुत लोगों के नाम हुआ करते हैं, जैसे त्रिवेणी, त्रिजटा है, तो आप त्र से मत घबराइएगा। त्र से भी आप क्या करेंगे, त्र को आप ता से देखें। कहने का तात्पर्य यह है, त्र को आप तुला राशि में देखें। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर ज्ञा होता, तब आप क्या करेंगे,
तो ग्यास आप घबराइए नहीं, क्योंकि ग्यास में बहुत लोग के नाम होते हैं, ज्ञान सिंह है, ज्ञानेंद्र है, ज्ञान को आप गास देखें, कहने का सीधा अर्थ है ज्ञान को आप मकर राशि में देखें। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर श्राव होता है। तो आप अब क्या करेंगे, उस तरह से बहुत लोगों के नाम हुआ करते हैं, जैसे श्रीचंद है, श्रेया है, तो श्रा से श्रा को आप श्रा से देखें, कहने का सीधा सा अर्थ है श्रा को आप कुंभ राशि में। अब हम आपको राशि फल की तरफ लेके चलते हैं। एरिस यानी मेष राशि, मेष लग्न राशि के जातकों, आज आपको धन का लाभ होगा। माता को कष्ट होने के दिखाई दे रहे हैं, छात्रों को विद्या का विशेष लाभ मिलेगा, संतान का सहयोग मिलेगा। विशेष उपाय गणपति स्त्रोत का पाठ करें। टोरस यानी वृषभ राशि, वृषभ लग्न राशि के जात को आज पिता से मतभेद होने के योग दिखाई दे रहे हैं, सरकारी काम में रुकावट आने के योग है, साहस में कमजोरी महसूस होगी, जमीन जायदाद संबंधी मामलों में लाभ होने के योग दिखाई दे रहे हैं, माता का सहयोग प्राप्त होगा। विशेष उपाय भोजन में सफेद वस्तुओं को शामिल करें। जेमिनी यानी मिथुन, मिथुन लग्न राशि के जातकों आज खर्चा बढ़ने के योग दिखाई दे रहे हैं, परिवार में मतभेद भी होने के योग है, भाई बहन के सहयोग से कार्यों में सफलता मिलने के चांस हैं। विशेष उपाय तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें। कैंसर यानी कर्क राशि, कर्क लग्न राशि के जातकों आज स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, मन अशांत रहेगा, आयु को लाभ मिलेगा, पुण्यों की शक्ति को भी लाभ मिलेगा, धन का लाभ होगा, परिवार से सहयोग मिलेगा। विशेष उपाय पशु पक्षियों को पीने के लिए पानी का इंतजाम करें। लियो यानी सिंह राशि, सिंह लग्न राशि के जातकों आज पति और पत्नी में मतभेद होने के योग दिख रहे हैं, रोजगार मंदा रहेगा, खर्चा बढ़ेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा पर शरीर में कुछ कमजोरी महसूस होगी। विशेष उपाय मांस और मदिरा का सेवन न करें। वर्गो यानी कन्या राशि, कन्या लग्न राशि के जातकों आज आमदनी मंदी रहेगी, भाई से बड़े भाई से मतभेद होने के योग दिखाई दे रहे हैं, दुश्मन हावी होने का प्रयास करेगा, बाहरी स्थानों से मदद मिलने के योग हैं, स्वास्थ्य के प्रति सावधान। विशेष उपाय श्री गणेश जी को मोदक अर्पित करें। लिब्रा यानी तुला राशि, तुला लग्न राशि के जातकों आज पिता को कष्ट होने के योग दिखाई दे रहे हैं, सरकारी काम में रुकावट आएगी, दिमागी उलझन बढ़ सकती है, छात्रों को विशेष मेहनत की आवश्यकता है, धन का लाभ होगा। विशेष उपाय शिव जी पर सफेद पुष्प अर्पित करें। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न राशि के जातकों आज भाग्य में बाधा पड़ने की योग दिख रहे हैं, माता को कष्ट होगा, जमीन जायदाद संबंधी मामलों में दिक्कत आने की योग है, सरकारी कामों में सफलता मिलने के चांस दिख रहे हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पिता का सहयोग मिलेगा। विशेष उपाय लाल चंदन का दान करें। सजिटेरियस यानी धनुराशि, धनु लग्न राशि के जातकों आज भाई बहन से मतभेद होने के योग दिख रहे हैं, सफलता में बाधा आएगी, आयु को हानि पहुंचने के योग है, धार्मिक काम में रुचि बढ़ेगी, यश प्राप्त होगा, भाग्य प्रबल है। विशेष उपाय चने की दाल का दान करें। कैपिकार
यानी मकर राशि, मकर लग्न राशि के जातक को आज धन लाभ होने का चांस बहुत कम है। परिवार में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, रोजगार मंदा रहेगा, पति या पत्नी को कष्ट होने के योग दिखाई दे रहे हैं, आयु में वृद्धि होगी, पुरुषों की शक्ति का लाभ होगा। विशेष उपाय, काली गाय को रोटी खिलाएं। कुबेरिया यानी कुंभ राशि, कुंभ लग्न राशि के जातकों स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें, झगड़े झंझट की स्थिति से भी सावधान रहें, रोजगार मंदा रहेगा, पति पत्नी में आपस में मतभेद होने की योग दिख रहे हैं। विशेष उपाय, मांस मदिरा से दूर रहें। पाइसिस यानी मीन राशि, मीन लग्न राशि के जातकों आज विद्यार्थियों को विशेष मेहनत करने की जरूरत है, संतान को कष्ट होने के योग दिखाई दे रहे हैं, खर्चे बढ़ेंगे, बाहरी संबंधों पर सावधान रहें, दुश्मन को बुद्धि और वाणी से परास्त किया जा सकता है। विशेष उपाय, जेब में पीले रंग की रुमाल रखें। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना न भूलें। हमारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। ये हमारे सारे पॉपुलर वीडियोज हैं। जय माता दी।